दिल्ली का ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन हर साल दिवाली बाजार लगाता है। 1980 में शुरू हुई परंपरा का मकसद दृष्टि बाधितों की बनाई मोमबत्तियां, लैंप और दूसरे सामान दुनिया के सामने लाना है। एसोसिएशन दृष्टि बाधितों को नए कौशल सिखाने और रोजगार में मदद देने के लिए ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त करता है। जैसे हमारे यहाँ जो स्कूल चलता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का स्कूल है। फिर उसके बाद हमारा बीएड का कॉलेज चलता है, जिसमें दृष्टिबाधितों को सिखाने के लिए तैयार किए जाते हैं, टीचर्स को तैयार किया जाता है, स्पेशल एडुकेटर्स तैयार किए जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि हमारे खासतौर पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका यहाँ पर आपको प्रेजेंस आपको खासी दिखी होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें मल्टी स्किल वाले जो ट्रेनीज हैं, वो मोमबत्तियाँ बना रहे हैं, कपड़े की चीज़ें बना रहे हैं और पेपर मशी की आइटम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, हमारी रेंज काफ़ी बढ़ती जा रही है। इस साल 240 स्टॉल में रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ और तरह तरह के खूबसूरत दिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं हमारे हाथ के बने कैंडल आप लोगों के घर में जलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। मैम, अभी तो मेरा विचार फिलहाल बिजनेस करने का है, मैं भी कैंडल का बिजनेस ही करूँगा जी। कितने साल से आप यहाँ पर दिवाली में इस तरह से मूर्तियाँ बना रहे हैं, कितना समय हो गया? मैम, मुझे 5 महीना हो गया। दिवाली बाजार दृष्टि बाधितों को सहयोग देने का नायाब मौका होता है। हर साल मैं यहीं से लेती हूँ अपने दिए एंड आई फील नाइस बाइंग फ्रॉम हियर बिकॉज एक तो हैबिट सी बन गई है कि यहीं से लेना है एंड वन फील्स नाइस कि आप ब्लाइंड स्कूल को इनकरेज कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग, इन द एंड इट्स अ गुड थिंग। दिवाली बाजार दृष्टि बाधित मालिश करने वालों को अपना हुनर दिखाने का भी मौका देता है। इन्हें एसोसिएशन में ट्रेनिंग दी गई है। मैं हम लोग मसाज में एक्विप्रेशर देते हैं और एक्विप्रेशर के बाद ऑयल मसाज, स्वीटिंग मसाज देते हैं हम। एक्विप्रेशर जब पॉइंट्स दबाती है और ऑयल मसाज में जब ऐसे स्वीटिंग रिलैक्स के लिए हम। बाजार में देश भर से लाए गए आकर्षक सजावटी और जरूरी सामान उपलब्ध हैं। इनमें डिजाइनर कपड़े, जूते, गहने, हैंडबैग, सजावटी सामान, पारंपरिक शिल्प, उपहार देने लायक आइटम, कॉस्मेटिक्स, खिलौने, बागवानी, हर्बल उत्पाद और पैकेज्ड फूड भी हैं।